भी आपकी तालियां चाहूंगा, मस्ती तो मैं करता ही रहता हूं कि सुनो मियां सलमान, सुनो मियां सलमान कैसा तुम्हारा ईमान, पर्दे पर कहते हो देश महान, पीछे से करते हो आतंकी गुणगान, सूरत तुम्हारी हीरो वाली सीरत से बेईमान, फिर क्यों करते हो दोहरे चरित्र पर तुम इतना अभिमान, अरे ना तो तुम बजरंगी हो ना हो भाईजान, ना तो तुम बजरंगी हो ना हो भाईजान, क्योंकि बजरंगी बनने के लिए तो सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है। बजरंगी बनने के लिए, बजरंगी को यूं ही बना रहा कि हिंदुस्तान में उस पवन पुत्र की लीला को कोई अब तक समझ न पाया, भक्तों की पीड़ा को हरते जब जब संकट आया, थल से लेकर नब तक में जिसने तूफान मचाया, लंका फूकी पर्वत तोका रावण को धमकाया, और कई असुरों के छक्के छुट गए घोटे की एक छपेट में, त्रेता युग में घुसे थे श्रीलंका के गेट में और कलयुग में निकले बराक ओबामा की जेब में। अच्छा ताली तो बजा दी पर मालूम किसी को ही नहीं कि बराक ओबामा की जेब से कैसे निकले, वो मैं आपको बताता हूँ। वो बराक ओबामा हिंदुस्तान आया था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की लड़की ने उनसे पूछा, बोले आप भी ओबामा जी, आप भी बजरंगबली के फैन हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम भी फैन, और उन्होंने जेब से मूर्ति निकाल के बता दी। और आप फैन की बात, मैं बड़े मंच पे खड़ा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि बराक ओबामा वाकई बजरंगबली का फैन है, कि जिस तरह बजरंगबली ने श्रीलंका जाकर असुरों को मार कूट कर समंदर में फेंक दिया था, उनको रावण से पूछने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी। बराक ओबामा ने भी पाकिस्तान से लादेन को उठा के मार कूट के समंदर में फेंक दिया, उनको नवाज शरीफ से पूछने की जरूरत पड़ी थी क्या? क्या बराबरी करोगे अमेरिका की? वहां के तो भिखारी तक घूमते हैं हवाई जहाज के प्रभाव में, और अपनी कंडीशन तो ये, अपन तो रोड पे लौट जाते हैं आलू प्याज के भाव में। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है, और आखिरी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिले कि बजरंगी बनने के लिए, बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है, और भाईजान बनने के लिए इस देश की मिट्टी को अपने सर पे लगाना पड़ता है। वाह 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 वाह, इस देश का असली हीरो तो एक ही था भाईजान। सम्मान में पंक्तियां उठे अब कि इस देश का असली हीरो तो एक ही था भाईजान, जो पूरी दुनिया में था इस देश की शान, गंगा सा पवित्र था जिसका ईमान, एक साथ रखता था गीता और कुरान, कभी नहीं किया किसी धर्म का अपमान, आखिरी सांस तक कर गया इस देश के नाम, बच्चा बच्चा करता था जिसे गर्व से सलाम, कोई साधारण नहीं था वो इंसान, पूरी दुनिया कहती थी उसे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम।